अमृतसर प्रताप बाजार में दुकान मालिक द्वारा कुछ शरारती तत्वों द्वारा एक सलून पर हमला। सलून जो कि एक लेडीज चलाती है उसको अपशब्द भी बोले गए। इसी सिलसिले में आज वाल्मीकि समाज द्वारा प्रताप बाजार में धरना प्रदर्शन किया गया। इसी सिलसिले में वाल्मीकि समाज डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर को मिला और उन्होंने थाना इंचार्ज को लिखित शिकायत भी दे दी। अब तुरंत मकान मालिक पर केस दर्ज होना चाहिए, परंतु एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। वाल्मीकि समाज द्वारा प्रताप बाजार में धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी के आश्वासन पर धरना हटा लिया गया। जब पुलिस अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जो जाति शब्द बोले गए हैं उसकी जांच कर रहे हैं, बाकी दुकान मालिक को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर छापेमारी की जा रही है। कुमार पट्टी है जी, मैं भारतीय मूल निवासी मुखरी का चीफ कोआर्डीनेटर पंजाब। साढ़े को एक छाटे तो सलून का कोई मसला आया सी, जिदे विच सारी जथेबंदियां ही वाल्मीकि जथेबंदियां पहले इन्होंने मिले जिन्हों का सलून सी भी की ताड़ा मसला की गया वा। तो इन्होंने क्या इन्होंने सानू दस्या भी सलून का मालक जड़ा वा वो साढ़े से धक्केशाही करता पाया वा। वो साढ़े अशोक जी है जिन्हों के मारन की भी धमकी दी गई और उस तो बाद कुछ निहंग लिया के वो सलून के वाड़े गए। यह साढ़े को प्रूफ है जी उस चीज़ का कि जेडे निहंग वड़े वाड़े गए जिन्होंने बेअदबी की उत्थे आन के इन्हों का जड़ा कीमती समान जिदा कि सीसी कैमरे से वो भी तोड़े गए कि साड़ी वीडियो वगैरह जी वेच ना आवे। वो कैमरे के नाल जिन्ना भी सिस्टम लगा ही वो सारा तोड़ के तो अपने नाल लै गए। अज असी परसों एस एच ओ साहब छाड़ा जी नूं असी डी जी पी तो एक मंग पत्र लैके जो उन्होंने दिता सी मंग पत्र दिता ही जो उन्होंने सानू लिख के दिता भी तुरंत जी उन्होंने दे के तुरंत जी कार्रवाई जी उस बंदे ते की जाए। पर अही उन्होंने को रात 8:30 बजे तक बैठे रहे तो उन्होंने कहा सानू भी कल नूं असी इंक्वायरी करांगे तो फिर आप जो भी है उसते जी कार्रवाई की जाऊगी। पर डी जी पी भंडार साहब अज जी वाल्मीकि संस्था तो काफ़ी जड़िया संस्था जड़िया नाल आई जी साढ़े नाल आश्रम तो भी आई संस्था जड़िया नाल संत समाज भी नाल साढ़े बैठा आया वा। तो अच्छ असी यो मंग करा भी जिन्ना चक उस इंसान से परचा नहीं किया जाता ज कट दे उन्होंने जगह जरा धरना जरा वा ये रेगुलर इदा ही चलू। गुरु की बटाली से कितों के रहने गुरु की बटाली सर की मसला जरा तुम अज धरना लाना पै रहा है? धरना जी मेरी ना इतने मैं सलून लिता जी प्रताप मिल के जोड़ा मेरा मा दुकान का मालिक ही ना कुछ गुंडे लैके आ गए मेरी नूह राणी काम कर रही दुकान के चार साल हो गए जी। की चीज़ की दुकान है जी? सलून जी मेरा। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी। तो इन्हें लिया के गुंडे लिया के धक्केशाही की मेरे नाल उतो मेरी कुड़ी ही नूह राणी मेरी और भी बहुत माड़ा चंगा शब्द बोले उतो मैनू जाने के बहुत ज़्यादा जाने की जाति बात बार भी किया गया मेरे बहुत ज़्यादा माड़ा चंगा शब्द बोले इन्होंने मैनू जो कि मैं की कहान तुम मैं लड़के मैं सिर्फ उन्होंने जानता सिर्फ लवली नाम का शख्स है जी जोड़ा मालिक है दुकान का उन्हें आन के मेरी नूह राणी ने भी माड़ा चंगा बोलिया। मेरी नूह राणी ने फोन किया नीतू की वजह की है क्यों ताड़ी दुकान उत्ते क्यों मैंने बस कहता कि खाली हूने ही करनी है मैं करानी तेरे को हूने ही खाली करानी धक्के शाही मैनू कारण की जो कुछ भी नहीं कोई टाइम ना इन सब कुछ किराया मिल रहा सब कुछ दे रहे इन अं देखो कि लॉकडाउन के इन किराया पूरा दिता दुकान खाली कराने हाँ जी इन पहले भी जाने की मेरे ना तीन चार बार इदा ही करता रहा मैंने चार साल तो जी अच्छा कोई नहीं की मसला आज जिदन 3 तरीक न झगड़ा आया उदन है पुलिस उत्ते हाँ जी कि 3 तरीक नया जी 3 तरीक का अं जाने के थाने में रिपोर्ट दी तो साड़ी किसी ने नहीं सुनी जाने की कोई ना थाने वाले आए ना SHO आया बस साढ़े बयान भी लले बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उतो वो शख्स मैं कहता पाया कि मेरे को 4 पैसे है मैं जिथे जावा जो चाह मैं कर सकता वा पुलिस भी खरीद सकता वा तो मैं गरीब बंदा दसो कितने जावा मेरा घट्ट वर 10-15 जने तरपाना नंगिया फड़िया पीया हथ के उतो मेरी नूह राणी बेचारी इन्नी डर गई बेचारी के तुम पता ही कि कुड़ी बेचारी उत्तर लेडीज़ की कर सकती उन्होंने
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗੇ ਜਾਨਕੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਸ਼ਬਦ ਕਾਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਨਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਸ਼ਾੜੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਹਟੂਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਨਕਿ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਐਫ ਆਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਵੇਨਿਊ ਛਿਆਟਾ ਚ ਮੀਆਂ ਜੀ ਸੈਲੂਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਤੂ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੈਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਫਟ ਕਰ ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਇੱਕੋ ਦਮ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅਲੈਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਆਫਟਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੈਰੀ